हेलो गाइस, आज हम गाजर की बहुत ही टेस्टी और एक हेल्दी रेसिपी बनाएंगे जो कि सर्दियों में बनाकर आप मज़े से खा सकते हैं। उसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बादाम यानी आलमंड्स, 2 किशमिश यानी रेजिन्स, 2 काजू यानी कैशूज, 1 इलायची यानी कि कार्डमम और 1 छोटा सा नारियल का टुकड़ा यानी कि सूखा हुआ नारियल। उसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से अपने मनपसंद अनुसार काट लेंगे। नारियल को थोड़ा कस लेंगे और थोड़े पीसेस कर लेंगे और इलायची को कूट कर उसका 1 पाउडर बना लेंगे। उसके बाद गाजर लेंगे, उसको पानी की सहायता से वॉश कर लेंगे और पील ऑफ करके ग्रेट कर लेंगे यानी कि छिलका उतार कर कस लेंगे। उसके बाद 1 कप दूध लेंगे, दूध हमने फुल क्रीम लिया है, आप चाहे तो बिना क्रीम का दूध भी ले सकते हो। अब हम गैस फ्लेम को ऑन करेंगे, मीडियम टू हाई पर सेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें अपनी ग्रेट की हुई यानी कसी हुई गाजर ऐड करेंगे और उसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि गाजर का पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। जैसे जैसे गाजर का पानी सूखता जाएगा हमारी जो गाजर है वह भी साथ के साथ गलती जाएगी। देखिए हमारी गाजर गलने शुरू हो चुकी है, अब इस समय पर हम उसे बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी गाजर जो है वह जल जाएगी। देखिए गाजर का पानी रिलीज हो रहा है, ऐसे लगातार चलाते हुए उसे पका लेंगे जब तक पानी ना सूख जाए। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेने के बाद अब हमारी गाजर का पानी जो है वह अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इस समय पर हम इसमें अपना फुल क्रीम मिल्क ऐड कर लेंगे। अगर आप फुल क्रीम मिल्क ऐड करते हैं तो आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है तो आप अपनी क्रीम यानी कि दूध की मलाई को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की एक छोटी सी टिप। अब हम अपने दूध को गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए उबाल कर तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए और हमारी गाजर सारे दूध को ना सोख ले। देखिए दूध को लगातार चलाते रहेंगे और साइड से किनारियों को भी हटाते हुए चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा खोए का टेस्ट भी आ जाएगा। अगर आप किनारियों पर ऐसे ही दूध लगा रहने देंगे तो वह जल जाएगा और हलवे में गंदा टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बन पाएगी। देखिए अब हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इस समय पर हम 1 कप चीनी डालकर अच्छी तरह से अपने बाकी इंग्रेडिएंट के साथ रख लेंगे। देखिए अब हमारे दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा और हलवा अपनी रेसिपी को चलाएंगे और लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। देखिए हमारा दूध अच्छी तरह से सूख चुका है, इस समय पर 1 से 2 मिनट चलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट चला लेने के बाद देखिए अब हमारा बचा हुआ दूध भी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इस समय पर हम इसमें अपनी चीनी ऐड कर देंगे, आप चाहे तो चीनी के स्थान पर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी को कैरमलाइज करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। शुगर ऐड करने के बाद तो हम उसे बिल्कुल भी चलाते बंद नहीं करेंगे। अब देखिए हमारी चीनी कैरमलाइज हो चुकी है, अब इस समय पर हम इसमें अपने सभी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और अपने इलायची को पाउडर को लास्ट में डालने के लिए बचा लेंगे और आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को गार्निश करने के लिए भी रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी का पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। देखिए अभी हमारी रेसिपी में आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा यानी पूरा ड्राई हो जाएगा सूख जाएगा उस समय पर आपको ये बबल्स दिखाने
दिखाई देने बंद हो जाएंगे। उस समय पर हम अपनी गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तब तक इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। देखिए अब हमारी रेसिपी में आपको कोई बबल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इस समय पर हम अपनी गैस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इलायची पाउडर ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छी सी खुशबू आने लगती है। ये देखिए अब हमने इलायची पाउडर ऐड कर लिया है और गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हमारी रेसिपी जो है वह बनकर तैयार हो चुकी है। इसे गर्म पैन में ही 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप गैस ऑन करके पकाएंगे तो जो हमारी चीनी कैरमलाइज की थी वह टाइट हो जाएगी। अब लास्ट में हम इसमें हल्का सा देसी घी ऐड करेंगे, यानी कि बटर, जिससे इसमें शाइनिंग आ जाएगी। उसके बाद आप इसे अपने मनचाहे बोल में सर्व कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे सर्दियों में आसानी से बनाएं और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।